नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष और ऑनलाइन टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि ना आज का वीडियो में मैं आपको फ्रॉड कॉल के बारे में शेयर करूंगा। एक छोटा सा बच्चा ने कितना उसका दिमाग है, वो मेरे साथ फ्रॉड करने के लिए कोशिश कर रहा था, ठीक है, मेरे अकाउंट को हैक करने के लिए कोशिश कर रहा था, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और उसके तरफ से जो भी मैसेज वगैरह आया हुआ था, ठीक है ना, वो सारे आपको स्क्रीनशॉट के द्वारा मैं दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे वो कॉल आया था कि मेरे को पता चल गया था कि वो एक फ्रॉड कॉल है, क्योंकि ना मैं ट्रू कलर इंस्टॉल करके रखा था, जिस कारण से मेरे को वहाँ से स्पैम लिखकर आ गया था, ठीक है। और उसके बाद जो बात वो किया मेरे साथ, ठीक है ना, घुमा फिरा के जो बात किया था, जियो कंपनी से बात कर रहा है और ओलेक्स से बात कर रहा है, ऐसे कुछ बात कर रहा है, मैं सारे बात उसका रिकॉर्ड करके रखा हूँ, वो सारे कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं हमेशा की तरह फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को दबा के ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद वीडियो को जरूर लाइक करें, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, करें कुछ इस तरह का लाइक करें, ठीक है, जैसे थोड़ा मजा आ जाना चाहिए। ये वीडियो को पूरा आग की तरह फैला दो आपके दोस्त के साथ, परिवार के साथ, क्योंकि ना सबको पता चले ये जो फ्रॉड कॉल आ रहा है, ठीक है ना, सारे लोग सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ना डिजिटल इंडिया जितने भी ग्रो कर रहा है उसके साथ साथ बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहा है, ठीक है ना, सबको पता चलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा किस तरह वो बात कर रहा था। अभी जो कॉल आया हुआ है मैं अभी आपको सुनाता हूँ। मनोज माध्य बात कर पा रहा हूँ, आपका ये जियो वाला सिम कार्ड है 15 मिनट में बंद किया जा रहा है कंपनी द्वारा, ये चालू रखना है या बंद करना है? नहीं नहीं, चालू रखना है ना जी भैया, चालू रखना है तो भाई का चालू रख देते हैं। आपके नंबर पर कंपनी द्वारा एक मैसेज डाला जाएगा और मैसेज हमारे लिए रिप्लाई कराना है, क्या मैसेज आया है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है जी, चेक कर लीजिए, मैंने मैसेज डाल दिया, चेक कीजिए। एक मिनट देख रहा हूँ मैं, मैसेज तो आया नहीं, एक बार लाइन काट के चेक कीजिए भैया, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा होगा। अभी उसके तरफ से वो कॉल काट दिया है, ठीक है, देखते हैं अभी क्या कर रहा है। फिर दोस्तों, अभी फिर से वो कॉल किया है, ठीक है, अभी सुनिए वो क्या बोल रहा है। हेलो जी भैया, मैसेज डाल दिया, चेक कीजिए, आ गया। एक मिनट देख रहा हूँ जी जी। हाँ जी, मैसेज में तो मैसेज आया हुआ है, एक नया मैसेज। क्या कोड आया है, चार अंकों का एक कोड आया होगा, क्या कोड आया है उसमें? हाँ, ये तो चारों का कोड बताऊंगा, ये किस चीज के लिए भैया जी? ना जो आपका सिम कार्ड है 6 महीने के लिए चालू हो, ये 6 महीने के लिए फ्री हो जाएगा, 2035 तक चालू रहेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा भैया, ये कंपनी द्वारा चालू किया जा रहा है। इसमें नहीं, आपने ये नहीं बताया ना, ये कंपनी द्वारा बंद किया जाएगा, और आपको चालू रखवाना है तो मैसेज बताना होगा भैया, क्या मैसेज आया है। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जयपुर से बात कर पा रहा हूँ भैया। जयपुर से, तो आप जियो कंपनी से बात कर रहे हैं? जी जी भैया। ओहो, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नीरज कुमार। ओहो, ये 4 डिजिट का नंबर देने के बाद 6 महीने के लिए मेरा सिम फ्री हो जाएगा? जी जी। सब्सक्रिप्शन मेरे को पूरा बिल्कुल फ्री मिलेगा ना, नहीं तो ना मेरे को कोई रिचार्ज वगैरह करना पड़ेगा फिर? नहीं नहीं नहीं, कोई रिचार्ज करवाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर नोट करिए। जी जी बोलिए। 8787। एक मिनट। 66। 66। हाँ जी, रुको भैया, चेक कर रहा हूँ, रुको। हाँ जी दोस्तों, उसका आवाज टोन से पता चल रहा है कि ये 18-20 साल का बच्चा होगा, ठीक है ना, ये इतना छोटा उम्र में पता नहीं ये कितना मतलब फ्रॉड करने के लिए कोशिश कर रहा है। उसका गार्डियन कितना उसको फैसिलिटी दे रखे हैं, पता नहीं ये बच्चा बड़ा होने के बाद क्या करेगा, मतलब बैंक अकाउंट भी हैक भी कर सकता है, ठीक है। और देखिए ये कितना घुमा फिरा के बात कर रहा है, ओएलएक्स से बात कर रहा हूँ, जियो कंपनी से बात कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ मेरा ओएलएक्स अकाउंट को हैक करने के लिए ये कोशिश कर रहा है, और मेरे को भी पता चल गया है कि ये मेरा ओएलएक्स अकाउंट को हैक करेगा, इसलिए मैं उसको गलत कोड बता रहा था, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास कोई भी इस तरह का मैसेज आता है उसमें कोई कोड रहता है और आपको कॉल करके कोई पूछता है तो उसको बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि ना मैं बच्चे के साथ खेल रहा था और ये बाद में क्या क्या कर रहा है, ठीक है, मैं उसका रिकॉर्डिंग कर रहा था। अभी देखते हैं फिर से वो कॉल कर रहा है कि नहीं। दोस्तों, अभी उसके तरफ से फिर से कॉल आ रहा है, ठीक है, मैं कॉल रिसीव करता हूँ और बात कर लेता हूँ। हाँ जी सर, बोलिए। दोबारा मैसेज डाला, चेक कीजिए क्या मैसेज आया, मेरे लिए रिप्लाई कराइए, क्या मैसेज आया दोबारा एक बार। सर, एक तो आया था आपको दे दिया था मैं पहले, एक कोड आया था उसमें। जी जी, एक और डाला है, चेक कीजिए, आ गया होगा, वही वाला कोड आया है सर, 8766। क्या? 8766। 8766। हाँ जी सर, इसमें कुछ लिखा गया है वेरीफाई योर ओएलएक्स अकाउंट। जी जी, ओएलएक्स से डाला है ना। ओएलएक्स से अब जाके डाला है। जी जी, तो जियो के साथ इसका रिलेशन क्या है भैया? 8766। हाँ जी बिल्कुल, मेरे को बता दीजिए
जियो के साथ इसका रिलेशन क्या है? मैं आपके लिए रिटर्न कॉल कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। गलत क्यों बता रहे हैं, मैसेज क्यों गलत बता रहे हैं भैया? नहीं सर, मैं तो गलत कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो आया है मैं वही वाला बता रहा हूँ आपको। आपने बताया 8766। 8766 नहीं, ये तो गलत है भैया। हाँ तो मेरे को बता दीजिए ओएलएक्स के साथ मतलब जियो का रिलेशन क्या है भैया जी? ओएलएक्स ओएलएक्स मशीन है ना, ये बहुत बड़ा मशीन है भैया जी। ओएलएक्स द्वारा मैसेज डाला जा रहा है, जो ये जियो से नहीं, ओएलएक्स द्वारा डाला जा रहा है भैया। ओएलएक्स ऐप से ना, ये ओएलएक्स से डाला जा रहा है, जिससे मेरे अकाउंट तो हैक नहीं हो जाएगा ना? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आप तो भैया जी ऐसा बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ सुनिए, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, इस तरह का मतलब फोन किसी को मतलब फ्रॉड से कॉल कर मत करिए, ठीक है ना? मेरे को पता है, मैं खुद डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है ना? जी जी, आप डीजे बजावे तो? हाँ डीजे बजावे, डीजे बजाओ। पता नहीं दोस्तों उसको क्या सुनाई दिया, मैं उसको डिजिटल मार्केटर बोल रहा हूँ, उसको डीजे सुनाई दे रहा है, इसलिए ऐसा कुछ बोल रहा है वो, डीजे बजाओ। तो कोई बात नहीं दोस्तों, तो ये वीडियो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक बात का आप हमेशा ध्यान में रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को दबा के ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। अगर आप सब्सक्राइब कर रखें तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों टेक्निकल रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो मैं हमारे चैनल अपलोड करता रहता हूँ, अगर आपको किसी भी तरह का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आ जाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।